नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। डॉक्टर के वेश में चोर। कोरोना महामारी की भयानक मंजर देखने के बाद चोरों ने भी अपनी दिशा बदल दी है। अभी तक जहां चोर धन संपत्ति चुराने में व्यस्त थे, वहीं पर अब मेडिकल इक्विपमेंट चोरी करने में लग गए हैं। जी हां, यह अनोखा मामला अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज के असैदापुर स्थित मलिक मोहम्मद जैसी संयुक्त जिला चिकित्सालय से प्रकाश में आया है, जहां पर बुधवार की देर रात्रि एक युवक जो डॉक्टर के वेश में जिला चिकित्सालय में दाखिल हुआ, वहां से एक अदद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चोरी कर ले जा रहा था। तभी जिला चिकित्सालय में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने उसकी पहचान कर ली और तत्काल पकड़कर उससे पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो उसने खुद को डॉक्टर बताया, बाद में उसने बताया कि वह सरस्वती अस्पताल प्रतापगढ़ में तैनात है। इसके बाद उस डॉक्टर के वेश में चोर ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को ग्रिप में लेने का प्रयास किया। उसने बताया कि अमेठी पुलिस अधीक्षक उसके मामा है, अभी उसको फोन करेंगे, हम कोई चोर नहीं है। जब दबाव अधिक पड़ने लगा तब उसने अपने साथी को फोन कर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वापस लेने को कहा। मामले को बढ़ता देख जिला अस्पताल परिसर में स्थित पुलिस चौकी से पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। इसकी सूचना कोतवाली गौरीगंज को दी गई, जहां से पुलिस ने पहुंचकर युवक को दबोच कर कोतवाली ले गई, पूछताछ तथा जानकारी करने में जुटी हुई है। इस मामले पर जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभय गोयल से बात की गई है। उन्होंने बताया कि अभिषेक त्रिपाठी नाम का एक युवक, जो उसके घर के 4 मरीज यह कोविड अस्पताल में भर्ती है, उसी के द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चोरी करके ले जा रहा था, उसको पकड़ा गया है और पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। जो देश में कोई बहुरूपी आया था जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन को लेके भाग रहा था, क्या है पूरा मामला? हाँ, एक लड़का था अनिमेश त्रिपाठी करके अपना नाम बता रहा था, उसके घर के 4 लोग इस अस्पताल में एडमिट हैं, कोविड अस्पताल में। तो उसको रात में हमारे स्टाफ के कुछ लोगों ने एक कॉन्सेंट्रेटर मशीन को बाइक पर ले जाने की कोशिश करते हुए पकड़ा था, उसको पकड़ के हमने पुलिस के हवाले किया।